Hey guys, so this is Junaid Khan and welcome back to my channel. तो आज मैं नया व्लॉग लेके आया हूँ. आज हमारी गांधी बाबू की पार्टी है और वो भी बहुत साल के बाद. एक साल की से पेंडिंग थी, बाकी पार्टी बाकी थी. तो आज हम विलियम जोन पिज्जा में आए हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं, मजा आने वाली है. तो फिर चलिए फिर एंटर करते हैं, मिलते हैं सबसे. आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग. रवि मिस्टर धर्मेश जावे, हाउ आर यू? यस, वेरी गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. तो वी आर मीटिंग आफ्टर 2 months ऑलमोस्ट, जो लास्ट पार्टी था उसके बाद. हाय रवि, हाउ आर यू? लास्ट पार्टी हमारा आई थिंक यस पिज्जा में हुआ था. यस पिज्जा होटल नोवस. नहीं नहीं, लास्ट पार्टी हमारा था नोवस में था, जो हमने दिया था. तो उसके बाद हम अब यहाँ पे आए हैं. और ये जो जगह है विलियम जोन पिज्जा, वो बहुत ही पुरानी जगह है, मशहूर है. तो फिर चलिए एंटर करते हैं. चलिए आइए आइए पठान, आइए. जगह तो मंडे है लेकिन फिर भी भरा हुआ है. बुक कर दिया है रवि ने ऑलरेडी. और एज यूजुअल हमारे काफी सारे सैलेड्स हैं यहाँ पे. मंडे है लेकिन फिर भी संडे जैसा क्राउड है. बुकिंग हमारे दोस्त रवि ने कर दिया था, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. और बहुत सारा क्राउड है, आप देख रहे हो पूरा भरा हुआ है, संडे की तरह क्राउड है. Yes, बहुत टाइम के बाद अपन मिले यहाँ पे, तो आपको कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है पठान. देखो 2 महीने के बाद हम मिले हुए हैं, मजा आता है ना? बहुत मजा आ रहा है. और बहुत ईद मुबारक आपको. हाँ, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक. यार थैंक यू सो मच. समोसा बाकी, समोसा और सेवैया. देखो उसके लिए तो आपको घर पे आना पड़ेगा उसके लिए. सही बोला. अभी हम इधर मिले हुए हैं विलियम जोन्स पिज्जा. ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, एकदम क्या बोलते हैं, टेस्ट अच्छा है. डिसेंट प्लेस है, डिसेंट प्लेस है. और इधर एनवायरमेंट भी अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है. और पार्टी कौन दे रहा है? पार्टी तो हमारे श्री राज गांधी सर दे रहे हैं. और वो किधर है? अभी 2 साल के बाद मिले हैं. तो वो किधर है? अरे वो सलाद लेने में बिजी हो गए. वो ही लव्स सैलेड, यू नो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस. तो वो अभी अच्छा, तो हमारा सूप आ गया है. ओके, और सूप काफी टेस्टी है. हमने टोमेटो सूप मंगाया है. हमारा कौन सा है? चाइनीज है. सर प्लीज टेक अ सीट. यस सर प्लीज. सर प्लीज. ओ, ये सैलेड्स लेके आ गए, बहुत ही खूबसूरत सैलेड्स, बिल्कुल जमा के लेके आए, बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो धर्मेश, तुमको क्या लगता है, इतना टाइम के बाद हम आए तो आइसक्रीम भी खत्म हो गया, क्या कहना, कैसा रहा आपका यहाँ पे डिनर? बहुत ही अच्छा रहा डिनर, सबसे बढ़िया रहा. एक तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इधर का जो टेस्ट है पिज्जा का, सलाद, वेराइटीज ऑफ सलाद है इधर. पिज्जा सॉफ्ट है, पिज्जा एकदम सॉफ्ट है. और गार्लिक ब्रेड कैसा है? चीजी गार्लिक ब्रेड, एकदम चीज वाला है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया. मतलब मुंह में डालते ही पिघल जाता है. यस. और रवि ने तो इतना आधे घंटे तक तो सैलेड ही खाया, तो रवि क्या कहना है आपका? सैलेड आपको इतना पसंद है? रवि ने कम से कम 1.5 से 2 किलो सलाद खाया होगा. और एक्चुअली विनीत नहीं आया था, विनीत के लिए आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? विनीत तो अपना बहुत बढ़िया वेकेशन बनाने गया है. अच्छा, पर ये उसका वेकेशन ऐसा है कि जो मतलब सही बोला, रात को ही वेकेशन होता है, ऐसा है. ये वेकेशन कैसा है? वो 9 बजे तो घर पहुंचेगा और सुबह 5 बजे तो वापस वो आएगा बड़ौदा से. अभी वो तो उसको ही पूछना पड़ेगा पठान, जब भी पल आता है तो. नेक्स्ट पार्टी अभी उसका ही. हाँ, अभी नेक्स्ट पार्टी विनीत नायर का है. थैंक यू सो मच गांधी बाबू, 1 साल के बाद ये मौका आया सुनहरा और हम पार्टी ले सके. क्यों रवि? तो आपको कैसा लग रहा है गांधी पार्टी? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे पैसे जा रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो गांधी बाबू, एट लास्ट ये मोमेंट आ गया, ये लम्हा आ गया कि आपने पार्टी दी और बहुत ही अच्छा फील हुआ, तो आपको कैसा लग रहा है? देखो, खाना खाने के बाद सबको अच्छा फील होना चाहिए, बराबर. जो पैसा निकाल रहा है उसको भी और जो खा रहा है उसको भी.
तो मुझे आप लोगों के साथ बैठ के आज बहुत मजा आ रहा है। और अपन खाना खाने के बाद यहाँ पे जिंदगी की जो असलियत है, जो कैसी जिंदगी जीनी है, जिंदगी का फलसफा क्या होना चाहिए, व्हाट इज द क्या रहस्य है जिंदगी के, वो बात करके आपको कैसा लग रहा है? बस जिंदगी जी लेनी चाहिए, क्या पता कल होना हो। ओके, हमको अपनी लाइफ फुलेस्ट जी लेनी चाहिए, मतलब ज्यादा टेंशन अपनों को लेना नहीं, लेना नहीं है टेंशन। एनपीएस में पैसा डालने का नहीं है, पीपीएफ में पैसा डालने का नहीं है, एलआईसी का टर्म प्लान नहीं करने का, एलआईसी का टर्म प्लान ले लेने का, बाकी ज्यादा खर्चा नहीं करने का। मतलब यू नीड टू एंजॉय योर लाइफ, राइट? क्योंकि रात दिन मुश्किल कोशिश है कि जिंदगी बेहतर बने, और ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी मैं क्या बोलू, आप इतना खतरनाक बोल रहे हो बापू ने। तो मतलब आज का मतलब ये इवनिंग बहुत ही खूबसूरत रही, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एंजॉय करी। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा, आज आप लोगों ने हमको जिंदगी के रूबरू कर दिया है। मतलब रूम नंबर दो के खिलाड़ी यहाँ पे सब मौजूद है, श्री श्री रवि पारेख। दो शब्द कहेंगे जिंदगी के बारे में, अहमद। हाँ तो रवि, अच्छा तुम लो हमारा वीडियो, हम भी तो हमारे वीडियो में आए थोड़ा। हेलो हेलो, हाउ आर यू? यस यस रवि, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर राज गांधी फॉर दिस वंडरफुल ट्रीट, बहुत एंजॉय किया। रियली रियली पिज्जा भी बढ़िया था, और सलाद की तो बात ही अलग थी। मैंने दो से तीन किलो तो सलाद खाया, और मंचूरियन था तो मेरा फेवरेट है मंचूरियन, आप सबको मालूम ही है। और बाकी सलाद तो वेराइटी जो विलियम जोन्स में है वो भरूच के कहीं भी पिज्जा में नहीं है, बहुत बढ़िया एंजॉय किया। और धर्मेश रहता है तो बात ही अलग रहती है, धर्मेश मीन्स बुरा हमारा खास। अभी नेक्स्ट हमारा पार्टी है, जो एक छोटा बुरा उनके घर में एक मेहमान आया है, उनकी पार्टी है। बुरा नंबर दो तो बुरकेश्वर, हम लोग बुरा की पार्टी ऐसे विलियम जोन्स में नहीं लेंगे। लॉर्ड्स या तो अच्छी जगह, लॉर्ड्स या तो दहेज से फॉर्च्यून, क्योंकि वो ऐसा आदमी है कि उसको क्वालिटी दो वो पैसा फेंकता है, फेंकता है। क्वालिटी खाना खिलाने का क्वालिटी। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग दहेज से फॉर्च्यून में ही चले जाएंगे, फॉर्च्यून में चले जाएंगे। तो रवि इतने इतने टाइम के बाद रवि अपन यहाँ पे आए बैठे, तो इसी के नाम तो जिंदगी है, सुकून से दो पल बैठो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो बेटा। 10 साल के बाद भी आप ये मोमेंट को याद करो। अलग नाम तो देखिए, ले दे के कहना यही है कि आप ठीक है सेविंग्स करते तो सेविंग्स कीजिए, लेकिन आप लाइफ जीते रहो और मिलते रहो और मिलते रहो, छोटी छोटी ऐसी पार्टी करते रहो। जो इसीलिए मैंने ये ड्राइव शुरू किया था, महीना दो महीना तीन महीने में एक दिन मिलो, पार्टी करो, एंजॉय करो पार्टी, और ये तो सब बहाना है, मिलना जरूरी है। 4000 रुपए तो ऐसे ही हम लोग उड़ा देते, मिलना जरूरी है। आप क्वालिटी दो, क्वालिटी दो, पैसे फेंके। सही पकड़ा, एकदम सही पकड़ा, क्वालिटी दो आप, तो ये क्वालिटी टाइम है। आप बैठो, बातें करो, डिस्कशन करो, तो बाकी सब तो ठीक है, चलता रहेगा। और हम हर डेढ़ महीने में मिलते रहेंगे, ये प्रॉमिस रहा हम चारों की तरफ से। मैं ही बता देता हूँ, हम लोग अरेंज करेंगे, क्वालिटी मिलेगी और फेंकेंगे पैसे। जैसे जुनेद ने कहा कि ये ड्राइव भी आ रहा है, ये ड्राइव जो मैंने चालू किया है गेट टुगेदर का, वो बहुत ही अच्छा ड्राइव है जुनेद, ये तुम्हारा जो इनिशिएटिव है मुझे बहुत ही अच्छा लगा सही में। ओके थैंक यू सर, बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगा। और इससे क्या है कि डेढ़ दो महीने में हम क्या है एक साथ मिलते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, मोमेंट क्रिएट होता है, दुख सुख की बातें करते हैं। और जिंदगी में की बात की हमने, किसकी बात की, कैसे सेविंग करना चाहिए। हाँ सही बोला, कैसे सेविंग करना चाहिए, पीएफ का नॉलेज मिला, जो पीएफ का हो कैसे, और फिर लाइफ में कैसे आगे बढ़ता रहना चाहिए हमको, और गाइडेंस मिलता है, गाइडेंस मिलता है। और पैसा का कोई महत्व नहीं है, वैल्यू नहीं है, बस टाइम महत्व है, टाइम महत्व है। यस बस मैं आप लोग से यही दुआ करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पास आने की कोशिश कर रहा था फील करने के लिए, क्यों, अच्छा। क्या वाइब्रेशन आते हैं। और बस रवि एक चीज और कहना चाहता हूँ कि लाइफ में जिंदगी में कुछ भी हो आगे बढ़ते रहो, और जीवन को हंसते हंसते आगे बढ़ते रहो, हंसते प्रमोशन मिले के ना मिले, यस, क्योंकि देखो क्योंकि जो है वो ये है बाकी कुछ नहीं, दोस्तों को याद करते रहो, कल पता नहीं क्या होगा, किसी को भी पता नहीं है कल होना हो। ऐसे लाइफ जीनी है ना कि कोई आपका नाम याद करे, कि जिंदगी जीना है तो ऐसे जियो, जिंदगी जी तो ये जी, वरना क्या जी, जैसे क्वालिटी वाला बंदा होना चाहिए, क्वालिटी पर्सनालिटी होनी चाहिए, मिलते रहना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है, ये फंडा एक लाइफ का है,
तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि क्वालिटी लाइफ जियो, क्वालिटी लाइफ जियो, मिलते रहो लोगों से, पैसों के पीछे भागा मत करो। पैसा इंपॉर्टेंट है, ओके, जरूरी है, लेकिन कभी कभी बीच में टाइम स्पेंड करते रहो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते, उसको खर्च भी करो, सिर्फ जमा मत करा करो, खर्च भी करो। सही है, सही है, सही बोला। तो सवाल है आप दोनों से। हाँ जी, हाँ जी। तो आप दोनों बताइए कि आप लोग कंपनी में जो रिटर्न में आते हो जाते हो, आप दोनों बस में साथ में आते हो मेरे ख्याल से, तो आप वो भी थोड़ा बताइए कि आप वहाँ पे भी आप कैसे एंजॉय करते हो बस में भी। बस में तो आपके साथ आया था तो मैंने भी देखा कि आप बहुत बढ़िया एंजॉय करते हो बस में। देखो हम तो बस में तो बहुत ही एंजॉय करते हैं और सबको एंजॉय करवाते भी है, और उसमें भी हमने व्लॉग चालू किए हैं, हर एक सिचुएशन के व्लॉग, मतलब लाइफ में कैसे जीना है, हाउ टू कंट्रोल द अदर थिंग्स, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे पॉजिटिव रहना है। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम जो भी व्यूअर्स हैं उसको भी कहना चाहेंगे, तो सही है, डेली व्लॉग्स आपको मिलेगा, डेली सिचुएशन में है, करंट सिचुएशन में क्या करना है, कैसे फेस करना है, वो हम डेली बताते और सभी लोगों का व्यूज लेते हैं। सही है, सभी लोगों का व्यूज लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वो भी आप, तो वो भी आप देख सकते हो। सही है, तो वो अच्छा रहेगा। हे गाइस, तो यहाँ पे हम हमारा व्लॉग खत्म करते हैं। आशा करता हूँ सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बिलीव मी।